भैया हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले, और हमने का उम्मीदें पाली थी, लेकिन यहाँ तो भैया टाँटा है फुस, बड़े बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। वड़ा पाव से याद आया कि भाई लोगों से सजेशन लिए गए थे किसी चीज़ के लिए, और भाभी जी का पैर दिखावा गवा है, यूका हो रहा है भाई। जटियंका जी के रूल्स रेगुलेशन लागू हो चुके हैं, पूरे घर में जो लोग हैं नए सदस्यों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और बग्गा बग्गी शामिल नहीं हुए मुद्दे में। कहा है पूरी कहानी? अरे भैया सब कुछ बताएंगे, तनिक धैर्य तो रखो। कहा इसकी मम्मी जी, छटकन्नी और भाभी, भैया और कुछ बातें, स्कूली बच्चे, साहिल और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो शुरू करते। अरे रुको भाई रुको, हम आ रहे ना, हूँ आ रहे। तो बग्गा बग्गी बिग बॉस के बर्थडे में नहीं गए, काहे? अरे भैया वो भी बताएंगे काहे नहीं गए। बग्गा बग्गी बिग बॉस के बर्थडे में क्यों नहीं गए, वो भी वीडियो के माध्यम से ही पता चला है ना, और शायद मैंने हिंट भी आपको दिया था प्रीवियस वाले वीडियो में। तो चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं काहे के ऊपर। अरे नकचढ़ी आ चुकी है, यही वाला सूट मैं पहनूंगी अहोई अष्टमी के दिन, मतलब आज के दिन है ना, क्योंकि आज ही हमारे यहाँ पर तो व्रत है। मम्मा और बाकी लोग, कंचन ने उस दिन क्यों रखा था उन्होंने भी अपना रीज़न बताया था। अब हमारी छुटकन्नी जी का ये वीडियो आई थिंक करवा चौथ के दूसरे दिन का है, जब ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करने गए थे तो बोले थे अहोई अष्टमी की जो भी मैं शॉपिंग लेके आई हूँ वो मैं आपको सेकंड वाले वीडियो में दिखाऊंगी, है ना। तो इसलिए वो सेकंड वाला वीडियो यही वो वीडियो था। मतलब इनको लग रहा है मैडम को कि लाल लिपस्टिक लगाने से इनके व्यूज ज़्यादा चले जाएंगे। वो कहा है कि करवा चौथ वाले में ना इन्होंने वो लाल वाली लिपस्टिक लगाई थी, दीदी आपका करवा चौथ वाला वीडियो लोग इसलिए देखने आए थे क्योंकि आपने बोला था, और उनको भी मुबारक हो, उनको भी ऐसा वैसा विश करने आ गई थी, तो लोगों को लगा था कि कहीं आपने अंकुश अग्निहोत्री की बात करी होगी, आपके कागजी पति जिसका नाम ले लेकर अभी तक आप कमाई करती आई हैं, तो इसलिए आपका वो वीडियो थोड़ा लोगों ने ज़्यादा देख लिया था और आपको लगा कि वो लाल वाले लिपस्टिक लगाए के अपना चार चांद लगा रही वीडियो में, तो ना जी हरकतें तो आपकी वही गिरी हुई हैं और वही दिलों में जलन, एक बार भी भाभी का जिक्र तक नहीं किया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जीजी का वीडियो आ चुका है, और जैसे प्रीवियस वाले वीडियो में जीजी ने अपना थंबनेल रखा था लाल लिपस्टिक वाला मुंह, वैसे इस वाले वीडियो में भी बिंदी और लाल लिपस्टिक ऐसे करके पूरा पूरा जो है यहाँ पर दिखाया गया है, और 2 घंटे हो गए हैं, 2000 व्यूज आ चुके हैं करवा चौथ वाले वीडियो में। इनको अभी तक टोटल 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, 43K आ चुके हैं, तो इनको लगा कि लाल लाली का कमाल है कि जित देखूं तो लाल हैं, तो डॉलर भी बनेंगे कमाल के। वैसे दीदी करवा चौथ वाले वीडियो में चूंकि ये कितने मिनट का वीडियो है, 18 मिनट 34 सेकेंड, तो वो कहा है कि कमाई कितनी हुई, कितने डॉलर बने, मतलब करवा चौथ के नाम पे आपने कितना छापा, थोड़ा सा बता देती तो अच्छा होता है। तो दीदी ने टोटका अपनाया है लाल लिपस्टिक वाला, लाल लाली वाला, अब देखते हैं ये लाल लाली वाला टोटका काम करेगा कि नहीं। वैसे आपको बता दें ना ही करेगा जी, उस दिन जनता जनार्दन जानना चाहती थी कि कहा दीदी हमार फिर से प्यार, जैसे विगत दिनों में कई बार प्यार दिखाई है ना, कि मैं उनके दिए हुए पायल पहनी है और यहाँ से यहाँ तक मांग में भरूंगी, ऐसे मांग लेके आऊंगी, बहुत सारे नौटंकी ड्रामे, मैं शादी करके आई हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैरिड मतलब अंकुश के जिंदगानी में जो शायद कोई कहानी इनके हिसाब से चल रही हो, अगर चल रही है तो उसको सुनाने के लिए कि मैं तो मैरिड ही कहलाई जाऊंगी, मैडम 7 फेरे लिए हैं और तुम कहलाई जाओगी ऐसी वैसी। तो बहुत सारे नौटंकी ड्रामे हमने देखे हैं, बहुत सारी इनके द्वारा बातें भी बोली गई हैं। आज दीदी का जो वीडियो आया था, उनकी जो शुरुआत होती है दीदी के वीडियो की, कुछ खास नहीं दोस्तों, वही उनका खाना खजाना। असल में आजकल हमारी जीजी पेड़ पौधों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो मनी प्लान के बारे में सजेशन पूछे थे, किसी ने बोला नीचे नहीं ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दीदी इंसान भी ना नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, है ना, उसको ग्रोथ भी करना चाहिए। यूँ नहीं कि लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं,
तो भाई साहब वो ना फालतू के एक्सक्यूजेस दे कि हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए। इन्होंने भी हमारे साथ शुरू किया था, उन्होंने भी हमारे साथ शुरू किया था, उनके बाद ही तो हम आए थे ना। कितने अच्छे ब्लॉगर हैं, दूसरों का अपना भाई कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उनका ग्राफ डिस्कस किया करते, थोड़ा अपने ग्राफ की तरफ देख लिया करो कि आपका ग्राफ किधर से कहाँ तक गवा है और कहाँ तक बचा है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो और लाइफ, जिंदगी, करियर ग्राफ तो छोड़ दो, कैर वो तो आप झूठ मूठ बोल के नौटंकी ड्रामा करके। वैसे भाभी आपकी कुछ नया शुरू करने वाली हैं, नया आइडियाज़, वो आपकी तरह नहीं जुमड़ी तलैया की सुमड़ी में पड़ी रहेगी, वो नया कुछ करना चाहती है। अब देखते हैं बग्गा अपनी मिसेज से क्या करवाता है, कि वाकई में कुछ नया कंटेंट होगा या कुछ नए तरीके का नौटंकी ड्रामा। क्योंकि बग्गे ने प्रीवियस ब्लॉग में कहा कि आप सबने दिखबे करा है, लोग धर धर के गरिया रहे हैं, कुछ चीज़ें और आई हैं उसके ऊपर भी वार्तालाप करनी है, लेकिन उससे पहले भाई दीदी के जो थोड़ा सा बातें हैं उस पर प्रकाश डाल लें। दीदी ने दो तीन ऐसी बातें करी हैं जिस पे थोड़ा बात करना बनता है। पहली बात तो एक ब्लॉगर की लाइफ दिखाई गई है, ब्लॉगर की डेली रूटीन लाइफ। देखिए झूठी अंका मार ऊपर चढ़ी जा रही थी, ऊपर से सामान कुछ उतार रही थी जो रैक बनी है, हमें तो लग रहा था कहीं गिर उड़ ना जाए तो मुंडा उंडा फूट जाए। और वो ऑन कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बस लगी रहो, हार मत मानना, ऐसे ऐसे करके कमेंट्री कर रही थी झूठी अंका के लिए, और झूठी अंका निकाल रही थी। बाकी वही डेली का कपड़ा लत्ता सुखाना, डेली के काम है, वही नौटंकी ड्रामा। और हाँ, ये वीडियो ना जीजी के बर्थडे के दिन का है, जिस दिन दीदी बोली थी ना एक दिन पहले, जैसे रात में लग जाता 23 तारीख, तो 22 की रात का है। तो ये बोला जा रहा था कि ना हम अभी ना जो है उसको विश करेंगे रात के 12 बजे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कितना पुराना वीडियो है। खैर मैडम ही हमारी बीच बीच में चली जाती, हालांकि मी टाइम देने के लिए दीदी आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी का वीडियो बनिन नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ समस्या बनिन जा रही, कुछ ना कुछ कहानी लगिन रह जा रही, का ही बताएं जी इनका वीडियो कब बनेगा, कैसे बनेगा। खैर कोनो बात नहीं जी, एक चीज़ और आपको बतानी है। मैडम ने दूध के ऊपर चर्चा करी। अरे भाई, दूध का और हमारी जिज्जी का रिश्ता बहुत पुराना है, कहीं ना कहीं अत्याचार में दूध भी शामिल है, वो भी ठंडा दूध, पुराना दूध। नया दूध छुपाया जाता है, नया दूध मुझे मिलता नहीं पीने के लिए, पुराना दूध और ठंडा दूध दिया जाता था। तो लोगों ने दीदी को सजेशन दिया था कि एक सूखा डड्डा कह रही हूँ, सूखा वाला डब्बा रखा करो। उस दिन तो दीदी ने बड़ा थैंक यू सो मच सजेशन के लिए बोला था, और आज दीदी बोल रही आज तक मैंने कभी उसको पैकेट वाला दूध या फिर ऐसा वैसा वाला दूध कभी नहीं पिलाया है। हाँ, जब मैं वहाँ गई थी कानपुर में, तो भी ना मैं तब फीडिंग कराती थी, मैंने बाहर का दूध नहीं पिलाया। चल झूठी, कहाँ कहाँ घूमती रहती थी बच्चे को लेकर, वहाँ फीडिंग कैसे कराती थी हैं भाई, का ही बताएं। झूठ बोलने में नंबर वन माहिर है, हमें लगता है कि जब से झूठी अंका आसपास होती है, ये वीडियो कॉल पे भी हो ही जाता है, लेकिन जब अगल बगल होती तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है। और भाई साहब झूठ के लिए अब का ही बताएं। वैसे लिपस्टिक का तमाम लोग लिंक उनको पूछ रहे थे, कोई नंबर वंबर पूछ रहा था, तो दीदी ने नंबर वंबर बता दिए। अब जितने भी फरिश्ते हैं सब यह लाली लाल लाल पोत के घर हूँ बैठेंगे तब हूँ वो लाली पोतेंगे, बाहर जाएंगे तब हूँ, रात में सोएंगे तब हूँ। कहा कि देखो दीदी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और दीदी ने अगर कोई चीज़ बताई है वो लगाई है, और फरिश्ते वो ना लगा। अरे दैया वो दो चाची आ गए लाली लाल लाल लगाए के, बढ़िया लग रही है चाची, आज तो बिजली गिराओगी चाचा के ऊपर है, कहाँ जा रही हो। खैर चाची ने तो खरीद ली, क्या आपने खरीदी है दीदी की मैक वाली लिपस्टिक? खरीद लीजिएगा, दीदी ने बताया है। नहीं नहीं, अगर महंगा भी हो तो आने वाले टाइम में अपने राशन वासन से दाल या मसाले की कटौती कर लीजिएगा, उबला हुआ खा लीजिएगा, लेकिन लिपस्टिक आपको यही लाल वाली लगानी है। तो दीदी ने यह भी कहा था कि मुझे आपको अपने कपड़े दिखाने, ये वाला सूट पहनूंगी है ना, और शॉपिंग भी दिखाऊंगी। शॉपिंग के लिए तो दीदी ने माफ़ी मांग ली, क्योंकि इधर उधर का पंचौरा ही करती रही। मम्मी जी से भी पूछें कि मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ, लिपस्टिक लगा गई थी, मम्मी जी पहले तो सोए रही थी, अपना बैग वैग खुपड़िया पर रखे थी। दीदी मजे भी ले ली कि मम्मी जी का पैसा दबा के बैठी है, बैग खुपड़ी पर लेके। मम्मी बोली ना दवाई रखी, वही मैं खा रही हूँ।
तो दीदी को मम्मी जी ने पहले ऐसे देखा तो बोली मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी जी बोली कि मेकअप करके आई है। बोली ना मैं सिर्फ लिपस्टिक लगा के आई हूँ। मतलब तुम्हारे हिसाब से हमारी मम्मी जी की पार की नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, थोप के आई हो लाली के बाद और भी मेकअप वोकअप। तब तो मम्मी जी ने कहा अभी फिल्टर नहीं मेकअप का कमाल था। मम्मी जी ने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छी लग रही है। और दीदी जानबूझ के क्लोजअप शॉट दे रही थी कि पूरा का पूरा जितना भी टर वाला सबकी ना फोकस दीदी के लिप्स पे हूँ और जो लाल लाल उन्होंने लिपस्टिक लगाई है। तो भाई साहब ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद जो दूध वाला बता रही थी कि भाई जो लोगों ने कहा था नीचे से ले लो, तो नीचे वाले लोग तो भाई पैकेट वाला लाते हैं और हमारी दीदी ने कहा है कि आज तक हमने पैकेट वाला पिलाया नहीं, इसलिए मैं पैकेट वाला तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, आज तक मैंने उसको नहीं दिया तो अब मैं क्यों दूँगी। सही बोल रहे हो दीदी या फिर हम झूठे समझ लें हैं नौटंकीबाज। खैर हर चीज़ में हाँ इनके यहाँ पनीर तो पड़ता ही है, चाहे लोबिया बने चाहे कुछ भी, छोले बने चाहे कुछ भी बने, हर चीज़ में पनीर जब तक ना हो तब तक भाई कुछ होता नहीं। प्यारी बहन ने लोबिया बनाया था उसमें पनीर डाला था, मम्मी जी ने सैलेड काट दिया था, बाकी के काम सब ने मिलजुल के कर लिया था। भाई सेटअप भी कर दिया है दीदी का, किचन उचन डब्बे उब्बे भी अच्छे से रख दिए हैं, चाय वाय वाले चीनी वाले दीदी ने सेटअप भी दिखाया। और उसके बाद पंचायत होती रहती होगी ना पूरे टाइम। तो ये था हमारी दीदी का, इतना सब कुछ होने के बावजूद इतने लोग हैं, इतना काम करने वाले लोग हैं, बड़ी दीदी बिल्कुल भी काम नहीं कराती छोटंकी से, लेकिन उसके बावजूद दीदी का वीडियो लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दीदी बिजी रहती हैं, बच्चा संभालना, बच्चे को दूध पिलाना, 3 साल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा है समझ रहे हो कितना मुश्किल होता है, हैं? तो ये तो था दीदी का नौटंकी ड्रामा। पूरे वीडियो में कुछ नहीं था, लास्ट में उन्होंने एक लाल सूट दिखा दिया जो उन्होंने अहोईअष्टमी के लिए रखा था। बाकी की शॉपिंग आपको कल देखने को मिलेगी नौटंकी ड्रामा। अब आते हैं कि बग्गा बग्गी नहीं गए हैं कहाँ। भाई बग्गा बग्गी दीदी के बर्थडे में नहीं गए, अब चाहे थोड़ी दूर पे गया हो या बाहर गए हो, असल में ये 23 तारीख को कहीं तो बाहर गए थे, क्योंकि जब बग्गी ने बोला था आज मैं इस पूरे घर में अकेली हूँ कोई नहीं है, तो जी हाँ उस टाइम बग्गी अकेली थी। अब बग्गा तो गया था थोड़ा काम से, वो वर्कर को देखने साइड पे गया था। बग्गा साइड का भी तनिक फोटो वोटो दिखाए देते, कहस कि गाड़ी में बैठ के साइड पे तुमने बोल दिया कि गए थे लेकिन हेल्पर वर्कर नहीं मिले, अब साइड पे गए थे तो लोगों के मुंह बंद हो जाते बग्गे, तुमने दिखाया नहीं, एक क्लिप बनाए लेते। वो कहा है कि कोई दूसरे साइड का भी क्लिप कर लेते, तब हूँ पता थोड़ी चलता कौन जाता वहाँ पता करने कि ये बग्गा का है कॉन्ट्रैक्टर का या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्टर का है, तो भाई कर लेना चाहिए। लेकिन बग्गे ने मौखिक तौर पे बोल दिया कि मैं साइड पे गया था लेकिन हमें वर्कर नहीं मिले। तो बग्गा तो बाहर था और बाकी परेतिन और बड़ी जज्जी और मम्मी जी कहाँ थी, क्या ढल अंकल के यहाँ या फिर तलिया किनारे नदिया किनारे उस ब्रिज के पास वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, काहे कहानी या फिर चले गए थे चंडीगढ़। भाई ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर वाकई में ट्रिप पे चले गए हैं। नहीं ट्रिप पे तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारी दीदी का वो भाई व्रत था आज, तो कहा है कहानी अब जब बौद्ध व्लॉग आएगा बौद्ध गर्ल का। वैसे आई थिंक बौद्ध गर्ल का वीडियो आया है क्या, कुछ अपडेट आई थी मेरे पास। हाँ चाय की दीवानी आज मेरा जन्मदिन है आज, ओके। तो भैया बौद्ध गर्ल का ये वीडियो आ चुका है और बौद्ध गर्ल ने कुछ खास तो दिखाया नहीं, रात की रिकॉर्डिंग करी, फिर खटिया बैठी हैं, फिर परेतिन बैठी हैं, फिर बौद्ध गर्ल वहाँ पे, अच्छा ये मंदिर का कोई है, जय बाबे दी, तो ये अपने या तो जहाँ पे कहते हैं ना बाबा बालक राम वहाँ गए होंगे और खूब सारा सामान ग्रोसरी का रखा है, फिर केक रखा गया है और केक भाई शायद कट भी हुआ है, लेकिन पूरी वीडियो में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आई है कौन, भाभी जी। भाभी जी घर पे हैं उसके बावजूद भाभी जी नज़र नहीं आई हैं। और चाय यार चाय तो बनी है 6 कप और बाकी भी चाय दिख रही है, तो ऑफ कैमरा भाभी जी आई होंगी, भाभी जी को दिखाया नहीं गया है, बाकी ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत हुई है। अब ये क्या है पूरी कहानी ये तो हम नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा है। हाँ पर इनकी नौटंकी ड्रामे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बताऊंगी। सामान लाते हुए दिख रही हैं
अच्छा ये परेतिन है, समोसा वमोसा भर भर के आए हैं और केक भी आया, तो शायद बच्चों को समोसा बंटवाया गया होगा। मम्मी जी ने पूजा पाठ भी पौधे में किया है, बाकी कहानी का है जब देख पाऊंगी तभी बताऊंगी। फिलहाल हाँ जी, दीदी का पौधे दिखाया गया है, टांगे दिखाई गई हैं बाकी लोगों की, हाँ बग्गी के चूड़ा दिखाए गए हैं समोसा खाते हुए, और साहिल वगैरह भी बैठा है। तो भाभी की टांगे दिखाई गई हैं, भाभी का मुंह नहीं दिखाया गया। वैसे दीदी भाभी तो आप ही की है, उसका मुंह भी दिखाई देती है, ऐसा कहा है। बग्गा की भी टांगे दिखाई गई हैं, का आपस में समझौता हो गया है का जी कि हम एक दूसरे को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ टांगों तक ही आएंगे हैं। भाई दीदी को बुरा लगता है ना कि जब कोई मुंह दिखावे, मुंह पे कैमरा करे तो बुरा लगता है ना, तो इसलिए मुंह पे कैमरा नहीं अब टांगों पे। तो भाभी जी मतलब बग्गी, अब तुम भी दीदी की टांगों पे ही ना वीडियो बनाए देना, जब कभी भी कुछ पूछना तो मुंह से बताएंगी लेकिन तुम टांगे दिखाना, क्योंकि भाई शायद वो यही चाह रही हैं है? कि तुम उनके मुंह पे कैमरा ना ही लगाओ। तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और बाकी की चीज़ें उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएंगे। हाँ चाय जो गई है कई कप, वो इसी के लिए गई है। और चाय छान कौन रहा है? ओहो मम्मी जी छान रही है, तो मम्मी जी चाय वाय छानी वानी है। और बर्थडे किस तरीके से, शायद घर पे ही मनाया गया है, मे भी उन स्कूल के बच्चों को कुछ इन्होंने दिया हो। स्कूल के बच्चों को बोली थी ना कि लोगों से सजेशन पूछ रही थी कि मैं अपने बर्थडे को कुछ अलग तरीके से बनाना चाहती हूँ। देखो दीदी समोसा और पेंसिल वेंसिल में ना निपटा देना, वो कहा है कि ठंड का मौसम आ रहा है तो आप लोकल मार्केट से बहुत सारा सामान ला सकती हो, टोपा है कंटोपा और हाथ पैर का, या फिर स्वेटर वगैरह उनका भैया बढ़िया से अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये परेतिन है, मम्मी जी चाय नहीं छान रही थी, परेतिन ने लाल और हरा सूट पहना है, मुझे लगा है मम्मी जी के हाथ हैं। तो भाई खूब समोसे खाए जा रहे हैं तोड़ तोड़ के, समोसा पार्टी हुई है। वैसे बड़ी जिज्जी, ये समोसा पानी में तले गए थे जीरो ऑयल, या फिर आजकल तुम्हारे मुंह में समोसा ज़्यादा है घुस रहे हैं, का है कहानी। वैसे दर्शकों दीदी अपने वीडियो में तो लाल लिपस्टिक पोते बैठी थी, लेकिन बहन के बर्थडे के वीडियो में दीदी लिपस्टिक नहीं लगाई है, का बात है भाई साहब, लिपस्टिक लगानी चाहिए थी। तो कुल मिला के वहीं पे अच्छा लेज वगैरह मंगाए गए हैं झोले में और ड्राई फ्रूट्स थाली में, तो यही बांटे गए हैं बर्थडे को। लो जी मैं ये भी बता दे रही हूँ, और बच्चे स्कूल के बच्चे सारे आके खड़े हुए हैं, स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं, और हमारी जो झुटियंगा की बहन है इंडिपेंडेंट वही बांट रही है सबको हाथ से ड्राई फ्रूट्स और लेज। दीदी इतना सस्तम सबका निपटाए दे हो, कहाँ तुम स्वेटर वेटर की बात कर रही थी। अब मैं भी स्वेटर अगले दिन के लिए टाल दी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सुन तो नहीं पा रही हूँ, हालांकि दीदी कुछ बोल रही हैं लाल लाल सूट पहन के, अब सुनूंगी तब आपको बताऊंगी। तो ये था हमारी दीदी का नौटंकी ड्रामा। भाभी जी को अब ऑफ कैमरा ही रखा जाएगा, बस भाभी जी को इसलिए दिखा दिया गया है कि भाई दीदी कहती ना मैं किसी को गालियाँ नहीं खिलाऊंगी, तो इसलिए उन्होंने भाभी जी को दिखा दिया, नहीं तो टरू वाले कहते कि बताओ भाभी जी आई नहीं। शायद दूसरी जगह पे भी कुछ मिठाई उठाई दी गई है, कह रही थी फल वल बाट आए हैं, अब वो बताना नहीं, वहाँ का हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमें दिखाना नहीं था, लेकिन बता दे रहे क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ दिया नहीं लिया नहीं, तो दीदी ने बता दिया। दीदी वैसे आप कपड़े लत्ते के लिए लोगों ने बोला था, मैंने आपके कॉमेंट में भी पढ़ा था, तो आपने सिर्फ कपड़े लत्ते को छोड़ के मिठाई और फल पे आए गए, चलो कोई बात नहीं, अब दीदी को इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है, ट्रिप पे कहीं जाना होगा। तो पहली बार दीदी का बर्थडे घर पे सेलिब्रेट हुआ है, ना शिमला में, ना ही सोलन में, और ना ही कहीं इधर उधर। बड़ी जिज्जी के जो इस बर्थडे में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है परेतिन ने, वैसे पिछली बार बग्गे और बग्गी गए थे, पूरा स्टेशनरी का सामान लेके आए थे, तो भाई साहब इस बार जो है उनको नहीं शामिल किया गया है, परेतिन को दी गई है जिम्मेदारी कि परेतिन भाई अब क्या करेंगी, ऐसे करेंगी वैसे करेंगी, वैसे भाभी से तो नाराज हैं, थोड़ा मुंह सोचा है, तो इसलिए परेतिन को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो चलिए जी आप लोग बताइएगा कि भाई आपने सोचा था कि बड़ी जीजी का ऐसे रूखा सूखा पौधे होगा जैसे एक बार सीट का पौधे निपटाया गया था। अगर आपने पूछा है और लोगों ने सजेशन दिया है तो आई थिंक तुमको ये पूरा करना चाहिए था, है ना, पर आपने वो सही नहीं किया। चलिए अभी के लिए इतना ही, अब पूरा वीडियो देख के फिर देखेंगे उसमें का कहानी है, या फिर जो हमने देखा बिना बोले सुना वही समझ में आ रहा है
तो वही कहानी है, तो ठीक है। पर हाँ, अब हिंट मिल गए हैं कि सब लोग अपना अपना वोट दे और अपना अपना चीज़ें खुद ही अपना अपना ढंग से मैनेज करो। आपके पाले में जो लोग हैं उनको शामिल करो, और जो आपके पाले के खिलाफ हैं उनसे डिस्टेंस बना लो, उनके पैर दिखा दो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।